वेलकम टू कृष्ण ब्लॉग। कैसे आपसे वैसे बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के लड्डू। तो यहाँ पे हम लोग 2 कटोरी बेसन और 1 कटोरी बूरा और 1 कटोरी घी ले लिया। आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए अभी गैस स्टार्ट कर लेते हैं। आप एक पैन चला लेते हैं और हमारे जो लड्डू में जो है घी ज़्यादा हो गया है, आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग घी डाल लिए हैं। देखिए अब इसमें डाल दिया बेसन, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आपको इसे अच्छे से मिक्स कर करके भुनना है। ये देखिए किस तरीके से हमने इसमें सिर्फ अभी आधा कटोरी ही घी डाला है और आधा कटोरी हम बाद में डालेंगे। ये देखिए और थोड़ा सा हम बेसन डाल लेंगे 1 कटोरी। ये देखिए और इसे अच्छे से अब हम मिलाते जाना है, मिक्स करते जाना है। ये देखिए देखिए अभी घी डाल ले रहे हैं। इसमें बेसन के लड्डू में जितना आप भर भर के घी डालेंगे उतना अच्छा रहेगा, लेकिन अपने अकॉर्डिंग ही आप घी डालिएगा। एकदम ज़्यादा नहीं है, एकदम कम नहीं। अब ये थोड़ा सूखा सूखा है इसलिए इसमें और 1-2 चम्मच हमें घी डालना पड़ेगा। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। ये देखिए अच्छे से मिक्स करना है आपको। जब तक इसकी खुशबू नहीं आ जाती तब तक आपको इसे भूनते रहना है। अगर आपको दानेदार लड्डू बनाना है ही तो आप इसे अच्छे से भूनेंगे। अब इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा आपको पानी डालना है, झटकना है आपको पानी को। ये देखिए छींटा मारना है पानी का। इसी तरीके से पानी डालने से इसीलिए दानेदार लड्डू बनते हैं। ये देखिए अब इस प्लेट में हम लोग निकाल ले रहे हैं। अभी इसे हम ठंडा कर लेंगे। ये देखिए इसमें डाल देते हैं इलायची पाउडर। ये देखिए अब इसे भी मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ठंडा हो चुका है। ये देखिए अब इसमें जो हम लोग बूरा रखे थे वो डाल लेते हैं, उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1-2 तरीके का हम रेडी कर लेंगे। देखिए पहले आपको अच्छे से मिक्स करना है और 1-2 रेडी कर लेना है। ये देखिए और बूरा डाल के हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं और 2 रेडी हो चुका है। अब देखिए इसके हम लड्डू बनाएंगे। ये देखिए आपको हथेलियों की सहायता से लड्डू बनाने हैं, आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। ये देखिए सेम साइज के बनने चाहिए। आप चाहे तो इससे छोटे साइज के भी बना सकते हैं, इससे बड़े साइज के भी बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारे लड्डू जो है बन के रेडी हो चुके हैं। ये देखिए सिर्फ इतना सा घी बचा है और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और ये लीजिए, खा लीजिए, आप देख सकते हैं कितना दानेदार बना है। ये लीजिए, खा लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कैसी बनी है। और ये लीजिए, खा लीजिए। और 2 दिन बाद हम लाइव आने वाले हैं, तो आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।